मैं 10 साल घूमा हूँ गोरों के मुल्कों में, समझने के लिए कि इन्होंने क्या किया कि इनके पास पैसा आ गया। मुझको यकीन करें, खुदा गवाह है, कुछ नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि इन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया या कम कर दिया, और ये जो वक्त की पाबंदी है ना, ये शुरू कर दी। दुनिया खान अकेडमी ईजाद कर चुकी है, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। दुनिया एडेक्स ईजाद कर चुकी है, हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज से अच्छी एजुकेशन तो आप नहीं दे सकते ना, कहाँ से लाएंगे प्रोफेसर? वो इलम फ्री मिल रहा है, आप कह रहे हैं नहीं, ये हम कबूल नहीं करेंगे। क्यों कबूल नहीं करेंगे? बस बस का क्या मतलब है? बस हमारे मुल्क में नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? इसका कोई जवाब नहीं। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप क्लास से बाहर चले जाएँ। मेरे नज़दीक पाकिस्तान एक ख्वामख्वाह गरीब मुल्क है। ऐसे मुल्क में हम रहते हैं जिसमें हर चीज़ है, इंटरनेट बेहतरीन, लोग बेहतरीन, पानी बेहतरीन। आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएँ, वहाँ रो रहे हैं बिजली नहीं है, बराबर में नाला बह रहा है। कह रहे हैं पानी नहीं है, बराबर में नाला बह रहा है। अब मैं सर ही पकड़ सकता हूँ और क्या कहूँ यार, पानी है ना, इस पर मोटर लगा दो, पानी की बिजली बन जाएगी, फ्री में बिजली बन जाएगी, क्यों नहीं बनाते? मैं पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ सिंध से लेके ऊपर तक, गाड़ी में मुझे ज़मीन नज़र आती है खाली, पानी बह रहा होता है फारिग, इंसान बैठे होते हैं वेले, और लोग कहते हैं काम नहीं है। तो इसको खामा खैमा गरीब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा ताल्लुक़ एक कम्यूनिटी से है जिसको दिल्ली पंजाबी सौदागरान दिल्ली कहते हैं, और इस कम्युनिटी के अंदर बच्चों को बहुत कम उम्र में शागिर्दी में बिठा दिया जाता है, जिस तरह से चिनियोट बरादरी और मेमन बरादरी को भी बिठा दिया जाता है। हम जब छोटे होते थे और स्कूल जाते थे तो क्लास में रबड़ बेचते थे, स्टेशनरी बेचते थे, ईद के ऊपर इधर से ख़रीदा और उधर बेच देते थे। इसी तरीके से मैं अपने अब्बा की उंगली पकड़ के हर हफ्ते वाले दिन जब छुट्टी होती थी तो दुकान जाया करता था, वहाँ बैठ के सारा दिन देखता था कि किस तरह काम होता है, क्या होता है। तो जब घर पे कंप्यूटर आया तो जिनसे कंप्यूटर ख़रीदा गया वो साहब थे रोशन अली पंजवानी, और उनकी दुकान का नाम था माइक्रो किट। फिर जो शागिर्दी का जो जो कॉन्सेप्ट था, गर्मियों की छुट्टी हुई तो हमारे अब्बा ने हमको वहाँ जमा करा दिया कि आपके पास मेरा बच्चा बैठा करेगा। सुबह मुझे वो घर से लेने आते थे, शाम को घर से छोड़ के जाते थे, खाना भी खिलाते थे। सुबह से शाम तक मैं उनकी दुकान पर बैठा रहता, जो वो काम बोलते थे मैं वहाँ करता था। उसके अंदर गेम्स, डीलिंग, कस्टमर डीलिंग, हर किस्म की चीज़ें जो है, मैं 13 साल का एक लड़का वहाँ पर जिस तरह से छोटा एक मैकेनिक के पास बैठा होता है, इस तरह ये छोटा कंप्यूटर की दुकान पे बैठा करता था। कंप्यूटर ठीक हो रहे होते थे, चीज़ें हो रही होती थी, वहाँ मेरी गप्पे लगती रहती थी, वो मुझे छेड़ते रहते थे, बच्चा बैठा था उसे मुझे काम कराते थे, मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं करता रहता था। जब आपको कोई चीज़ बना लेते हैं तो आपको फिर सक्सेस का ना मज़ा आ जाता है। फिर मैंने कहा अच्छा भाई, मैं तो ये बना लिया, मैं और भी चीज़, मैंने फैक्स मॉडेम बनाया। फैक्स मॉडेम नहीं होता था उस जमाने, मॉडेम होता था, 300 baud/s, बिट पर सेकंड से भी छोटा बॉड पर सेकंड का मॉडेम, यानी आपने हेलो लिखा तो 3 मिनट बाद पहुंचेगा। अब हम तो है व्हाट्सएप पे फ़ोन कर रहे होते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं था। वो बनाया, फिर एक और डिवाइस फास्ट लोडिंग कार्टेज बनाई, फिर डॉल्फिन डॉज बनाई, बना तो शुरू हो गए। अब तो जी ताकत आ गई जी सब करने, 10th में पहुँच गए या 9th में ही थे। तो कंप्यूटर क्लिनिक वालों ने कहा कि हमें अमेरिका का वीज़ा हो गया, हम कंपनी बेच के जा रहे हैं, आप ले लें। मैंने कहा मैं 10th का बच्चा हूँ, मैं कहाँ से, मेरे पास 50,000 रुपये की कंपनी है, 50,000 रुपये मेरे पास कहाँ से आएंगे? उस वक़्त किराया पूरी ऑफिस का 2,000 रुपये महीना होता था, तो आप इमेजिन कर लें कि 50,000 आज के शायद 50 लाख रुपये होंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये तुम कंप्यूटर ठीक करना, 5,000 रुपये हमें देना, 5,000 रुपये का किराया भरना, खर्चे देना, तुम कमा लोगे। मैंने कहा भाई मेरे कंप्यूटर ठीक करना भी नहीं आते, मैं कहाँ से कंप्यूटर ठीक करूँ? क्या नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। जो जी मैंने पहली कंपनी अपनी खरीद ली, कंप्यूटर कैसे ठीक करते, उंगली लगा के देखो गर्म क्या हो रहा है, जो चीज़ गर्म हो रही है उसको निकालो, दूसरी लगा दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा भी चलो ये भी ट्राई करते हैं, तो वो करना शुरू किया तो ठीक हो जाते थे कंप्यूटर। 200 रुपये हम फीस चार्ज करते थे ठीक करने के। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है ना, वो लोग कहते हैं जी ये था वो था, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का ड्राइविंग फोर्स बोर्डम था। मैं बोर होता था यार, क्या करूँ, अपने आप से लड़ाई करूँ, किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, TV होता नहीं है, क्या करूँ? मैं बोर्डम ख़त्म करने के लिए काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करता चला गया। मेरे ख़्याल में 36 तक पहुँचते पहुँचते मैंने कोई 5 मुल्कों में बिज़नेस खोल लिए थे। पाकिस्तान का पहला कॉल सेंटर का लाइसेंस भी हमने इशू करवाया था। तो मैं घूमता रहा, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने मैट्रिक के बाद ज़िंदगी में एक दिन कॉलेज नहीं गया। तो मुझको ये मालूम है कि अगर एक आदमी काम कर सकता है तो दूसरा आदमी कर सकता है, और मैं दुनिया की पहली कंपनी बन गया जिसने एक सर्विस दी जिस पे आप कॉल अमेरिका में करें, घंटी पाकिस्तान में उसकी $70,000/MB बैंडविड्थ की प्राइस होती है, $70,000 1 MB की। उस पे हमने टेलीफोन की सर्विस बेचते थे अमेरिका में।
कि जी आप इलीगल काम करते हैं। मैंने कहा जी ये लाइसेंस है, 9 महीने लगा के हमने बनाया है, इसको कॉल सेंटर का लाइसेंस कहते हैं, ये हमारे पास है इसलिए हम ये सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हमारे बंदे उठा के ले गए। 1996 में मैं ईमेल की सर्विस भेजा करता था ब्रेन नेट के लिए। अब इंडिया और इसराइल का नाम देख के मुझे वैसी तब चढ़ गई कि यार इसराइल और इंडिया दोनों ही हैं, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ भी था भी, और क्योंकि मेरी वालदा बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक थी और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक था। उन्होंने मुझे सिखाया कि अमेरिका में कंपनी बनाई जा सकती है, अहफाज भाई उनका नाम है, और उन्होंने मुझे अब कंपनी बनाई। कंपनी के प्रेसिडेंट वो थे, वाइस प्रेसिडेंट मैं था, मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी कंपनी $200 में अमेरिका में बन गई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दफ्तर भी उनका था, मैं उनको किराया देता था, टेलीफोन की लाइन लगवाई उनके दफ्तर में, अपना अलग कंपनी बनाई, सुपर टेक्नोलॉजीज न्यूयॉर्क हमारी कंपनी बन गई। मैं अमेरिका नहीं गया हूँ अभी तक, अमेरिका बचपन में गया था, उसके बाद से मैं अमेरिका नहीं गया, मेरी कंपनी अमेरिका में बन गई। सारे घर वाले जो मेरी फुप्पियाँ वगैरह हैं वो सब समझते थे कि ये बंदा तो बेकार है, ये तो घर पे बैठा रहता है, ये तो दुकान जाता ही नहीं है, तो ये तो बच्चा फारिग हो गया। कोविड के अंदर लोगों ने घर से बैठ के काम करना शुरू किया, मैं कोविड से 30 साल पहले घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। अलाउड नहीं था कि पर्सनल कंप्यूटर पाकिस्तान में बगैर इजाज़त के गवर्नमेंट के आएगा, तो हमारे यहाँ कंप्यूटर की अडॉप्शन बहुत देर से हुई, नंबर वन। नंबर टू, हमारे मुल्क में जो बड़े जो PhDs तक थे उनके हाथ में भी कभी कंप्यूटर्स नहीं आए, उन्होंने कंप्यूटर्स से बहुत देर में उनकी दोस्ती हुई, जबकि यूरोप के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो पढ़ने गए वो 60s के अंदर पंच कार्ड के ऊपर कंप्यूटर से उनका एक्सपीरियंस शुरू हो गया, कि पहला जो खौफ था कंप्यूटर्स का वो उन्होंने अपने अंदर से निकाल दिया। जबकि हमारे अंदर ये जो फोबिया है कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, आज तक मौजूद है। आप इसलिए ना पढ़ें कि आपको एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए, आप इसलिए पढ़ें कि आपको इल्म से मोहब्बत है। हमारे सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन जब 120 साल पहले जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हुआ, जो स्कूल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, मैथ्स एजुकेशन इम्प्लीमेंट हुई, तो वो इंडस्ट्रियल एज के लिए डिज़ाइन की गई थी। वहाँ पर लोगों को नौकर बनाना ज़रूरी था, उनको एक ख़ास डब्बे में डालना ज़रूरी था। आज के दौर के अंदर सोचने वालों की ज़रूरत ज़्यादा है, कोलैबोरेटर की ज़रूरत ज़्यादा है, जो मिलकर काम कर सकें। स्कूल में सिखाया जाता है कि आप इधर नहीं देखेंगे, रियल लाइफ में बताया जाता है आप इधर देखें वो क्या कर रहे हैं, इधर देखें वो क्या कर रहे हैं, फिर आप काम करें, तो वो सिखाया ही नहीं हमने कि इसके साथ और इसके साथ मिल के कैसे करें। हम तो यूँ कर रहे हैं होमवर्क, हम यूँ कर रहे हैं होमवर्क। ये जो चीज़ मिस हो गई एजुकेशन के अंदर, ये है एक्चुअल प्रॉब्लम इन एजुकेशन। मुझे एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब पहली दफ़ा फ्लोरिडा गया स्कूल, जिसके स्कूल के साथ मैंने पार्टनरशिप करी, तो मैंने देखा कि 9th class के बच्चों के पास TV लगा हुआ है, और वो बच्चे अपना अखबार निकालते हैं, और वो बच्चे वीडियो एडिटिंग करते हैं, और रोज़ाना सुबह 1 घंटे की बच्चे ब्रॉडकास्ट बना कर पूरे स्कूल में TV चलाते हैं। मेरा दिल चाहा कि अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा बना दे, मैं स्कूल में दाखिला ले लूँ। ये है एजुकेशन, कि बाय एक्सपीरियंस वो सीख रहे थे कि अखबार भी निकाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, TV भी चला रहे हैं, यार ये कैसा स्कूल है। ये है एजुकेशन। ये एजुकेशन नहीं है कि बेटा आपने रट्टा लगा लिया, क्लास में बता दिया गया कि ये सवाल याद कर लेना और कल एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, जिसका भेजा रट्टे में अच्छा है वो पास हो गया, जिसका भेजा रट्टे में अच्छा नहीं है वो फेल हो गया।